अभी मैं मेट्रो में हूँ और मैं जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक। वहाँ से मैं ऑटो करूँगी और फिर मैं जाऊँगी पुराने किले अपनी लोकेशन पे। अब मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पुराने किले। और यहाँ पर शेयरिंग ऑटो भी अवेलेबल है। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे जाना पसंद करेंगे। शेयरिंग से आपको लगेंगे 20 रुपीज़ और आप पूरा ऑटो करेंगे तो वही आपको 100 रुपीज़ को चार्ज वो बताएंगे। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ टिकट काउंटर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है और काफ़ी धूप है। और यहाँ पर पेटीएम से टिकट अवेलेबल थे और जो ऑनलाइन टिकट बुक करना जानते हैं तो वो इस क्यूआर कोड से स्कैन करके टिकट बुक कर सकते हैं और टोकन भी अब अवेलेबल है। नमस्ते आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त सुम्बुल और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं तेरे नाम मूवी शूटिंग लोकेशन पर, जो कि है दिल्ली में। और तेरे नाम मूवी 2003 में बनी थी, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी सलमान खान की। उसके बाद ही उनका करियर काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि उनके जो सॉन्ग है तेरे नाम सॉन्ग जो है वो किस किस जगह पे है और कहाँ कहाँ उन्होंने शूट किया है। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ एंड तक और देखते हैं चल के कि क्या क्या देखने को मिलता है। तुझे पता नहीं सर, ये है मतलब क्या करवा रहा है पूरा। और अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, वहाँ वो आपको दिख रहे हैं गुम्बद सी दिख रही है, तो हम वहाँ कहेंगे और उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। बहुत ज़्यादा दूर है और साइड से भी दिखाते चलिए, मेरे कैमरा मैन पूरा दिखाइए। और धूप इतनी तेज हो रही है कि बस आंखें नहीं खुल रही हैं। जब मैं आई थी तब मैं मुगले आजम लग रही थी, अब मैं पगले आजम हो चुकी हूँ। ये है हमारी बावली, इस पे पुराने किले की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। आप इसे स्टॉप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके भी अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, यहाँ पर एक कुछ पानी का कुआं है वो दिखाती हूँ। ये रहा, तो ये कुछ पानी भरा हुआ है अंदर, थोड़ा डरावना सा लग रहा है सीढ़ियों से नीचे की तरफ, पर गेट में लॉक लगा हुआ है तो ऐसी डर की बात नहीं है कि कोई यहाँ पर चला जाए। वैसे सेफ्टी कर रखी है यहाँ पर और गार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। फर्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, सलमान खान यहीं खड़े थे इसी पेड़ के सहारे से और पीछे की वो मस्जिद दिख रही थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर मैच कर सकते हैं। हमारी ये वाली है जो भूमिका चावला शॉर्ट फिल्म में भाग लिया है, यहाँ से पूरे ये कुछ कुआं टाइप का है, उन्होंने हाफ कैमरे से लिया हुआ था तो पूरा आ रहा था उनका ये कुआं। और यहाँ से भूमिका चावला भाग ली जा रही थी, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासन में किया था, जो कि 1538 से 1545 के बीच में करवाया गया था। किले के तीन बड़े द्वार हैं, इसकी बड़ी विशाल दीवारें हैं, इसके अंदर एक बड़ी मस्जिद भी है जिसमें मुग़ल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली का एक सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं की इस किले के एक हिस्सा नीचे गिर जाने के कारण दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी।
अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी दीवारों पे संगमरमर का काम किया गया है जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ये किला बहुत ही बड़ा और विशाल है। मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ इसमें कितने खूबसूरत लाल कलर के पत्थरों से काम किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का एरिया बताया जाता है। मुग़ल टाइम में यहाँ पर नमाज अदा हुआ करती थी। ये देखिए, ऊपर लाल कलर के बड़े बड़े पत्थरों से इसका काम किया गया है जो कि बहुत ही मजबूत है और बहुत ही विशाल है। अब हम आ चुके हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे। सलमान खान मस्जिद से बाहर आते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पर पैर रख के खड़े होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फोर्थ लोकेशन पर, जहाँ पर सलमान खान बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा वीडियो का एंड हो चुका है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इवनिंग के टाइम पे आएं, या फिर हल्की सर्दियाँ हो जाएं जब आएं, वरना यहाँ पर आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए बॉलीवुड से जुड़ी हुई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।